हेलो एवरीवन। तो देखो मेरी बात, आज अपन करते हैं कोडिंग एंड डीकोडिंग। देखो अपन को इतना डीप में नहीं जाना, अपन को क्या क्लियर करना है, एक बार CA CET क्लियर करना है। अपन को कोई हार्ड एंड फास्ट एग्जाम नहीं करना, अपन को CA CET क्लियर करना है। और CA CET का जितनी कोडिंग आपके काम में आती है वो मैं सब आपको बता दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन अपन मॉड्यूल के कर लेंगे, जिससे कि आपको मॉड्यूल भी सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। और इसके बाद अपन आपको शीट्स भी देंगे, हम आपको शीट्स भी देंगे, MCQ बेस्ड क्विजेस भी देंगे इस टॉपिक पर बेस्ड, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग चालू करते हैं। देखो मेरी बात, सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग का फंडा क्या है कि जैसे अल्फाबेट की नंबरिंग कैसे होती है। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये मैं आपको लिख के इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आपको फिर कन्फ्यूजन ना। NOPQRSTUVWXYZ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिख रही है, दिख रहा है ना, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। देखो अपन ने ए को क्या नंबरिंग दी, 1, बी को क्या नंबरिंग दी, 2, सी को क्या नंबरिंग दी, 3, ऐसे करके अपन ने इन सबको नंबरिंग दे दी। तो कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखो कॉमन क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा होता है कि अपन एक एग्जांपल देते हैं, उससे अपन को समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल, देखो अपना मॉड्यूल का एग्जांपल वन है, जेड जेड वाई डब एक मिनट रुको, जेड वाई एक्स डब्लू इज कोडेड एज ए बी सी डी। तो STUV को कोड कैसे करेंगे, देखो देखो मेरी बात। इसमें क्या होता है, एक अपन को कोड दिया होता है कि अपन ने इसको कोड ऐसे करा। अपन को कोडिंग और डिकोडिंग में पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है कि क्वेश्चन में कोडिंग कैसे हुई है, क्वेश्चन में कोडिंग कैसे हुई है, और फिर उसको अपन को डिकोड करके जो अपन को पूछा है उसमें अप्लाई करना होता है। अब क्वेश्चन में कोडिंग कैसे करिए, जेड को ए दिया है, देखो जेड लास्ट लेटर है और ए फर्स्ट लेटर है, मतलब इसने कोडिंग कैसे करी है, इसने लास्ट और फर्स्ट में कोडिंग करी है। देखो इसने वाई को बी दिया है, वाई लास्ट सेकंड लेटर है और बी अपना सेकंड लेटर है। अपन को कोडिंग ऑब्जर्व करनी है, मतलब लास्ट से सेकंड पे वाई है तो इसने फर्स्ट से सेकंड पे बी कोड कर दिया, तो ये इसकी कोडिंग है। ये देखो हमें इन लेटर्स की कोडिंग को ऑब्जर्व करना होता है कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर के अंदर, ठीक है। अपन को कोडिंग डिकोडिंग में इनको ऑब्जर्व करना है। देखो एक्स को अपन लास्ट से 3 बोलते हैं और इसने एक्स को क्या कोड दिया है, फर्स्ट से लेके 3 कोड दिया है। डब्लू को अपन लास्ट से 4 बोलते हैं और इसने कोड क्या दिया है, इसने फर्स्ट से 4 दिया है, तो डब्लू इज कोडेड एज डी। अब देखना मेरी बात, तो अपन एस को क्या कोड देंगे, एस लास्ट से कितने पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एस लास्ट से 8 पर है तो अपन इसको फर्स्ट से 8 पर कोड दे देंगे और इसको अपन एच कोड दे देंगे। तो इसका पहला लेटर क्या हो गया, एच। टी देखो, टी लास्ट से किस पर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो अपन फर्स्ट से 7 पे जी कर देंगे। यू देखो 1 2 3 4 5 6 और ऊपर से 6 पर कौन है, एफ। और वी देखो 1 2 3 4 5, पांच पांच उधर कौन है, पांच ई। देखो आंसर क्या हुआ, ये आंसर हुआ। तो मेरी बात सुनो, अपन ने इससे क्या सीखा, अपने ये अल्फाबेट से ये डिफॉल्ट कोडिंग होती है इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पर क्वेश्चन इन कोडिंग को अपने हिसाब से चेंज करता है, अपन को उसको ऑब्जर्व करना है। इसने जेड को ए कोड दिया, मतलब इसने लास्ट और फर्स्ट वाला फंडा लगाया, इसने लास्ट और फर्स्ट वाला फंडा लगाया। तो जब भी एग्जाम चालू हो उससे जो
स्पेयर टाइम मिले या फिर बोले तो अपन लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करें और अपन को दिखे उसमें तीन चार कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, तो एक बार ए बी सी डी ई एफ जी एच की टेबल बना लेना कि क्या डिफॉल्ट कोडिंग होती है। ठीक है, तो अपन ने पहला क्वेश्चन कर लिया, अपन को सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि अपना क्वेश्चन कैसे कर रहा है और उसके हिसाब से अपन को डिकोड करना है, और कोडिंग और डिकोडिंग में कुछ नहीं करना। ठीक है, ये अपन को पैटर्न ऑब्जर्व करना है, ये एक दिन में सिखाना इम्पॉसिबल है, पर इसमें कुछ है भी नहीं, अपना सी एस ई टी का तो बहुत बेसिक लेवल का है। ठीक है, तो अपन देखो अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन अपन लिख देते हैं पहले इधर, मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ जिससे कि कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ जाए, मतलब और आपको मॉड्यूल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े। बी ई एफ को कोड करा है डी ई एफ में, तो ट्रू टी आर यू ई को कोड कैसे करेगा, टी आर यू ई को कोड कैसे करेगा डी ई एफ को, सॉरी बी ई डी को, सॉरी बी ई डी को कोड करा है डी ई एफ। तो देखो अपन ने इसको ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने पर क्या निकल रहा है, बी को इसने 2+ करा है, बी के बाद सी डी मतलब इसने +2 कोड करा है फर्स्ट लेटर को, इसने सेकंड लेटर को एज इट इज रहने दिया है, और फिर थर्ड लेटर को इसने दोबारा डी ई एफ +2 कोडिंग करी है, +2 कोडिंग करी है। तो अब इसको अपन कैसे करेंगे देखना, ई को भी इसने ई करेगा, सॉरी ये सी है, तभी मैं सोचूं उसमें मिस प्रिंटिंग है, उस मॉड्यूल के अंदर शायद मिस प्रिंटिंग है, तो इसने +2 से कोड करा है, बस अपन को हर लेटर को +2 करना है, ये क्वेश्चन हो गया। कैसे, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद +2 करो, टी यू वी, तो पहला लेटर क्या हो गया वी, आर के बाद क्या आता है एस, आर के बाद आता है एस टी, यू के बाद +2 करो, यू के बाद वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू, और ई के बाद +2 करो एफ जी, तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया वी टी डब्ल्यू जी, वी टी डब्ल्यू जी। ठीक है, अपना आंसर सही है, आगे चलो। आगे क्या बोलता है, हैदराबाद इज कोडेड एज, देख लेते हैं, हाय दराबाद, हैदराबाद को इसने कोड करा है, किस में कोड करा है, एल एक्स ई डी एस जेड सी जेड ई, तो चेन्नई को कोड कैसे करेगा। ठीक है, देखो मेरे साथ देखते जाओ, मेरे साथ सॉल्व भी करते जाओ, कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग का डर आज अपन खोल लेते हैं। ठीक है, हैदराबाद को इसने कोड ऐसे करा, अब यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग करी है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमें दिमाग नहीं लगाना, इसने क्या करा है, इसने एच के बाद कितने लेटर को प्लस करा है, देखो फर्स्ट लेटर देखो, एच के बाद इसने क्या करा है, एच के बाद इसने करा है आई जे के एल, देखो एक मिनट रुको, एच के बाद क्या करा है, कहा गया एल, आई जे के एल +4 करा है, एक मिनट, सी एच ई डबल एन, तो सुनो देखो दोबारा मिस्टेक हुई, सॉरी, इसने एच को आई करा है, देखो इसने फर्स्ट लेटर में क्या करा है, +1 करा है, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, फर्स्ट लेटर में क्या करा है, +1 करा है, देखो इधर देखो, एच आई जे के, एच के बाद इसने +1 करा है, वाई, वाई के बाद वाई को इसने क्या कोड करा है, एक्स कोड करा है, वाई को इसने एक्स कोड करा है मतलब -1 करा है, वाई को एक्स कोड करा है मतलब -1 करा है, देखो मेरी बात सुनो, अपन को ऑब्जर्व करना है, इसने अपन ने ऑब्जर्व करा, अपन को क्या निकला, इसने एच को कोड करा है, एच को कोड करा है +1 कोड करा है, तो एच हो गया आई, वाई को इसने -1 कोड करा है तो वाई बन गया एक्स, फिर डी को देखो तो डी को इसने क्या करा है, डी को कोड करा है ई, ए बी सी डी मतलब +1 कोड करा है तो ये बन गया ई, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ये ऑल्टरनेटिव कोडिंग चल रही है, फर्स्ट लेटर तो करा है +1, सेकेंड लेटर करना है -1, और थर्ड लेटर फिर करना है +1, इसका मतलब सी के अंदर करेंगे अपन +1 तो हो जाएगा डी, एच में करेंगे अपन -1, एच का -1 क्या होगा जी, तो डी जी, ई में अपन करेंगे +1,
मतलब ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस वन करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस वन करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमें कैसे पता लगा ऑल्टरनेटिव करना है? हमने इनकी सीक्वेंस ऑब्जर्व करी। हमें सिर्फ सीक्वेंस ऑब्जर्व करना है कि देखो जेड को ये क्या कोड कर रहा है, जेड को ए कैसे कोड कर सकता है। जेड भी लास्ट है और ए फर्स्ट है, मतलब लास्ट और फर्स्ट का कोडिंग हुई है। इसमें अपन को क्या पता लगा, बी को इसने कोड करा है डी, मतलब बी के बाद डी कैसे आएगा, प्लस टू की सीक्वेंस में कोडिंग हुई है, प्लस टू के सीक्वेंस में कोडिंग हुई है। और इसमें अपन को क्या पता लगा, प्लस वन एंड माइनस वन के सीक्वेंस में कोडिंग हुई है। तो ये अपन को क्वेश्चन ने ही खुद बताया, हमको पता ही नहीं था। हम तो जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा वैसे अपन करते जाएगा। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या बोलता है, एप्पल दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना, APPLE एप्पल। एप्पल इज कोडेड एज 2 5 5 6 3। देखो मेरी बात, लेटर कितने, 1 2 3 4 5, कोड कितने हैं 5, मतलब सबका इंडिविजुअल कोडिंग हुई है। ए को कोड करा है 2 में, ए को कोड करा है 2 में, ठीक है। और पी को किस में कोड करा है देखते हैं अभी, रुको रुको रुको। पी को कोड करा है 16 में। तो अब सुनना मेरी बात, अपन को निकालना क्या है। ओहो नहीं, एक और है, मतलब अब देखो दो कोडिंग दे रखी है। दो कोडिंग कैसे है दिख रहा है ना इधर, हाँ, RUNG रंग इस कोडेड है 7 1 4 8। ये दो कोडिंग अपन को सॉल्व दे रखी है। अपन को इससे क्या निकालना है, इससे अपन को पर्पल का कोड निकालना है, PURPLE। अब मेरी बात सुनो, ये रैंडम कोडिंग है। हमने देखा ए को इसने 2 कोड करा, तो अपन मान लेते ए को इसने +1 करा। फिर पी को इसने, ए का ओरिजिनल क्या होता है, ए का ओरिजिनल होता है ना 1, तो अपन मान लेते इसने +1 कर दिया। फिर पी का अपन ने देखा, पी का देखा तो क्या निकला, पी का क्या है 16। 16 को 5 कोड करने का कोई तरीका नहीं है, तो फालतू की कोडिंग बन रही है। मतलब अपना कोई भी इसमें रूल नहीं बना, रूल नहीं बना तो ठीक है। हमने, अब देखो मेरी बात, अपन को पर्पल की कोडिंग निकालनी है। हम क्यों रूल बनाए, पी को इसने 5 कोड कर रखा है तो अपन 5 लिख देते, यू को इसने 1 कोड कर रखा है अपन 1 लिख देते, आर को इसने 7 कोड कर रखा है, फिर पी को दोबारा 5 कोड कर रखा है, एल को 6 कोड कर रखा है और ई को 3 कोड कर रखा है। हम क्यों मेहनत करें कोडिंग समझने में? अरे क्वेश्चन ने ही खुद कोडिंग कर रखी है, क्वेश्चन पूछ कर रहा है। अगर कोई ऐसा सीक्वेंस आएगा जिसमें, देखो मेरी बात, ये सारे तो थे अपने कोडिंग को ऑब्जर्व करने वाले, इसमें अपन को डिकोड करना है। इसमें अपन को ऑब्जर्व नहीं करना, सीधा डिकोडिंग करो, सीधा डिकोडिंग करो कि भाई क्वेश्चन आया। देखो दो पैटर्न हो गए, पहला पैटर्न जिसमें दोनों तरफ अल्फाबेट हो और दूसरा पैटर्न जिसमें अल्फाबेट और नंबरिंग हो। अल्फाबेट और नंबरिंग के अंदर अपन को सीधा अल्फाबेट से जो नंबर है उसको आंसर में पुट करके अपना काम को खत्म करना है, ठीक है। तो अपन ने देखो, और आगे चलो, धीरे धीरे ये सारे पैटर्न ना समझ जाओगे, ठीक है। इसको अगर मैं थ्योरी के एस्पेक्ट से पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत चीजें अपन नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर वन, बोथ साइड अल्फाबेट, बोथ साइड अल्फाबेट, दोनों साइड अल्फाबेट है, ठीक है। इसमें कोडिंग करो पहले, कि कोडिंग को समझो, ऑब्जर्व करो, फिर इसको डिकोड करो, ठीक है। पर अगर अगर वन साइड अल्फाबेट है एंड अदर साइड क्या है, अदर साइड हमारा नंबर है, तो सीधा डिकोडिंग करो, सीधा डिकोडिंग करो, इनको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर खुद ही, क्वेश्चन खुद ही आंसर बता रहा है, ठीक है। तो अपन आगे चले, अपन आगे चले। आगे क्या लिखा है, इन अ लैंग्वेज ए को कोड करा है 1, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ए को कोड करा है 1, बी को कोड करा है 2, तो फेस को क्या कोड करेंगे। अरे भाई साहब, इससे तो आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ए को कोड करा है 1, ए का डिफॉल्ट कोडिंग क्या होती है 1, बी को कोड करा है 2, डिफॉल्ट कोडिंग क्या होती है 2, तो फेस की क्या होगी, एफ की क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ,
फाइव वन। सी की क्या होती है? ए बी सी। और उसकी क्या होती है? ए बी सी डी ई। एफ की क्या होती है? सिक्स होती है। तुमने गलत बताया, ए बी सी डी ई एफ। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया अपना 6135, 6133, ए बी सी 6135। ठीक है, सीधा पुट करा अपन ने। अब चलो आगे चले, आगे चलो। और क्या है इसमें? पुश इज कोडेड एज 1 2 3, पी यू एस एच इज कोडेड एज 1 2 3 4, रफ आर ओ यू जी एच रफ इज कोडेड एज 6 5 6 5 2 7 4। तो एस ओ यू पी को क्या कोड होगा? हमने क्या बताया? अगर दो कोडिंग दे रखी हो और दोनों में एक साइड अल्फाबेट हो और एक साइड नंबर हो, तो सीधा डिकोड करो, मतलब ऑब्जर्व नहीं करो, दिमाग मत लगाओ, दिमाग फालतू में खर्च मत करो। ठीक है, तो एस का कोड क्या होता है? एस का कोड है इसमें 3। ओ का कोड क्या है? 5। यू का कोड क्या है? 2। और पी का कोड क्या है? 1। तो आंसर क्या हो गया? 3 5 2 1। तो अपन ने अभी तक दो पैटर्न देख लिए, जिसमें दोनों तरफ अल्फाबेट है उसमें अपन ऑब्जर्व करेंगे, और जिसमें दो कोडिंग गिवन है और एक तरफ अल्फाबेट है और एक तरफ ये है, तो अपन को ऑब्जर्व कोई खास नहीं करना। अब देखो, एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं? बुक बुक इज कोडेड एज पेंसिल, बुक इज कोडेड एज पेंसिल, पेंसिल इज कोडेड एज मिरर। देखो, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, थोड़ा सुनना। ठीक है, अपन को अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है, स्कोरिंग है सब्जेक्ट, स्कोरिंग है। ठीक है, देन व्हाट? अब देखो मेरी बात, क्वेश्चन में दे रखा है हम बुक को पेंसिल बोलते हैं, पेंसिल को हम मिरर बोलते हैं, और मिरर को हम बुक बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर, मतलब हम किससे पेपर में लिखते हैं? हम या तो पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, पेन हमारे क्वेश्चन में है नहीं, हम पेंसिल से लिखते हैं। पेंसिल को अपन ने क्या बोला है? मिरर। तो आंसर इसका क्या होगा? मिरर। देखो मेरी बात, ये अपनी तीन कोडिंग गिवन है, हम किससे लिखते हैं? हम पेंसिल से लिखते हैं, तो पेंसिल को हमने क्या बोला है? मिरर। तो आंसर होगा मिरर। इतना दिमाग मत लगाना, पेंसिल को हमने मिरर बोला है पर हमने मिरर को बुक बोला है, तो आंसर इसका बुक कर दो, बुक आंसर नहीं होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो चीज इस क्वेश्चन का आंसर है, पेन या पेंसिल, उसकी फर्स्ट कोडिंग देखनी है, सिर्फ फर्स्ट कोडिंग देखनी है, आगे दिमाग नहीं लगाना, आगे दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो, रेड्स रेड्स आर ब्लू, ब्लू आर वाइट, ब्लू आर वाइट एंड वाइट आर येलो। कोई नहीं, टाइम लग रहा है, लगने तो क्या दिक्कत है, अपन सीख रहे हैं ना, अपनी मॉड्यूल कवर हो रही है। येलो आर ऑरेंजेस, ठीक है, और ये ऑरेंजेस आर पिंक। फर्स्ट कोडिंग करनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इन टाइप के क्वेश्चन में अगर ये गलती कर दोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट अपना यही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई बताओ, ऊपर आसमान में देखकर कलर बताओ मेरे को क्या होता है? कलर होता है इसका ब्लू। ब्लू तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ब्लू की अपन को फर्स्ट कोडिंग करनी है, ब्लू को अपन क्या बोलते हैं? व्हाइट। तो आंसर क्या होएगा इसका? व्हाइट। इतना दिमाग मत लगाना, फिर बोल रहा हूं कि व्हाइट को अपन येलो बोलते हैं, येलो को ऑरेंज बोलते हैं, ऑरेंज को पिंक बोलते हैं, आंसर पिंक कर दोगे कट जाएगा। ओनली फर्स्ट कोडिंग करनी है, देखो भाई, ओनली फर्स्ट कोडिंग करनी है। तीन टाइप के क्वेश्चन है, तीन टाइप के ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं। अपन ने देखो क्या देखा, अभी देखते हैं। देखो, जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझ लिया वो अब, जैसे जिनके पास टाइम कम है वो लीव कर सकते हैं, वरना अपन इसके सैम्पल क्वेश्चन भी करते हैं। अपन ने फर्स्ट पैटर्न देखा, ए बी सी दोनों तरफ अल्फाबेट है और इधर भी अल्फाबेट है, तो कोडिंग में क्या करना है? दूसरा पैटर्न हमने देखा, इधर ए बी सी है और इधर नंबर है,
और इधर एक्स वाई जेड है और इधर अपना नंबर है, तो दोनों तरफ अपने दो कोडिंग दे रखी है, तो अपन ने क्या करा, तीसरा अपन ने देखा अगर ये वाली चीज दे रखी है कि शर्ट को अपन पैंट बोलते हैं और पैंट को अपन ट्रैक सूट बोलते हैं, मतलब ये सारी कोडिंग दे रखी है, तो इसमें अपन को फर्स्ट कोडिंग तक ही कोड करना है। अब देखो और आगे क्वेश्चन करते हैं जो आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, जिससे कि और एक दो कॉन्सेप्ट हो गए वो समझ में आ जाएंगे ना, फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आई है, आपकी ऑब्जर्वेंस में बेस्ड करता है, एक दिन में ऑब्जर्वेंस कोई भी टीचर डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना सैंपल क्वेश्चंस में, सैंपल क्वेश्चंस में क्या आता है, कंप्यूटर कंप्यूटर इज कोडेड एज RFUVQNPC, तो अपन मेडिसिन को कोड क्या करेंगे, मेडिसिन का कोड क्या होगा। देखो मेरी बात समझ में आ रहा है ना, बता देना मेरे को, नहीं आएगा मैं दोबारा तुम्हें मैसेज करके समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, एक बार वीडियो दोबारा देखो सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात, इसने क्या कर रखा है, सी को आर कर रखा है कोड, सी को आर कोड कर रखा है, इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं, एक मिनट रुको, अपन देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे, सी को तो ये इधर ले जा चुका है और आर को इधर ले जा चुका है, मतलब देखो कुछ पहले लेटर को ऑब्जर्व करो, लेटर लेटर गेम क्या खेल रहे हैं, लेटर लेटर गेम क्या खेल रहे हैं, ये सब देखो 50% 60% क्वेश्चन इन पे बेस्ड आएंगे, तो अपन को ठीक है। अब इधर अपन को ऑब्जर्व करना है, देखो यार ऑब्जर्वेंस तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तुम्हें सिखा सकता हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, बाकी क्लॉक कैलेंडर का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सी को चलो मान लो आर कोड करा, पर सी को आर कोडिंग कैसे होगी, तुम खुद देखो, अजीब नहीं लग रहा कि सी को तुमने आर कोड कर रखा है, ये तो काफी अजीब लग रहा है, मेरे को तो अजीब लग रहा है, देखो तो थोड़ा और अपन ने दिमाग लगाया तो अपन को पता लगा फर्स्ट लेटर तो लास्ट में चले गया और इसका लास्ट लेटर फर्स्ट में चले गया, मतलब फर्स्ट लेटर तो लास्ट में चले गया और लास्ट लेटर फर्स्ट में चले गया, और ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है इसमें तुम खुद देखो, ओ को एफ कोड करना फिर अजीब लगा, देखो मेरी बात, ओ को एफ कोड करना फिर अजीब लगा, ओ को एफ कोड करना फिर अजीब लगा, फिर अपन ने और ऑब्जर्व करा तो अपन को क्या पता लगा, ये देखो ई को तो एफ कर दिया प्लस वन, ठीक है, टी को यू कर दिया, मतलब लेटर उल्टे लेटर में प्लस वन कर रहा है और उनको उल्टा लिख रहा है, ये थोड़ा हार्ड है, माना हार्ड है, एग्जाम में आओगे बहुत लोग नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम फुल नंबर लाने के लिए नहीं होता, अगर तुम इतना कॉन्सेप्ट भी समझ के जा रहे हो ना तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बेसिक्स आएगी, ठीक है। अब पर मैं इसको भी समझाऊंगा, देखो अपन ने फर्स्ट और लास्ट लेटर को इंटरचेंज कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो बीच के लेटर बचे ना इसको ई को तो एफ कर दिया, मतलब एन को MNO कर दिया, आई ABCDFGH आई जे, आई को जे कर दिया, सी को डी कर दिया, ई को ABCDFGH आई जे, आई आई को जे कर दिया, डी को ई कर दिया और ई को एफ कर दिया, मतलब प्लस वन कर रहा है, ये प्लस वन कर रहा है, देखो दोबारा देखो, OMPUTE को अपन ने क्या लिखा, FUVQNP, ऑब्जर्व करो ऑब्जर्वेंस से क्या आ रहा है, ई को इसने लास्ट वाले को फर्स्ट में ले गया, टी को यू कर दिया, मतलब लास्ट लेटर को फर्स्ट में लेके जा रहा है और फिर उनको उल्टा करके लिख रहा है, उनको प्लस वन करके लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर अपना ये हो गया, देखो ये पैटर्न को भी ऑब्जर्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें मास्टरी होनी चाहिए अपनी, कि इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आया है तो अपन को ध्यान रखना है, सी को डी करा, डी सी को फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट सेम रहने दिया, फिर बीच वाले को उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलो, आगे क्या बोल रखा है, इन अ कोड लैंग्वेज ए इज रिटन एज बी, बी इज रिटन एज देन हाउ विल बी स्मार्ट, अरे
ये तो अब देखो, तुम जो लोग डर गए थे, कितना इजी क्वेश्चन है। ए इज रिटन एज बी, बी इज रिटन एज सी, डी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो घबराने की बात नहीं है। और डी विल बी रिटन एज ई एंड सो ऑन। तो अपन को कोड क्या करना है, अपन को कोड स्मार्ट करना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखो मेरी बात, ए के मतलब हर हर लेटर को फर्स्ट प्लस वन करा है, प्लस वन करा है, वही ऑब्जर्व करते ही दिख गया। तो अपन क्या करेंगे, एस को प्लस वन करेंगे, एस को प्लस वन करा एस टी, एम को करा एम एन, ए को बी करा, आर को अपन को क्या करा, आर को अपन ने एस करा और टी को अपन ने यू करा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया, मतलब सब में अपन को प्लस वन करना है, 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 तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत, ये तो अपना बहुत सिंपल था, अपना तो अभी तक यही हार्ड है। ठीक है, अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मॉड्यूल में और क्या गिवन है। कोडिंग डिकोडिंग के नाम पे RIPPLE, रिपल को कोड क्या करा है, 613382, और लाइफ को LIFE को कोड करा है 8192, और पिलर को क्या कोड करा है, PILLER को कोड अपन को बताना है। आप देखो ये अपना क्या है, ये अपना पैटर्न टू है। इसमें मैंने क्या बोला, दो कोडिंग गिवन है और दोनों कोडिंग में एक तरफ अल्फाबेट गिवन है और दूसरी तरफ अपने नंबर गिवन है, तो अपन को डायरेक्ट डीकोड करना है। डीकोड बोले तो ऑब्जर्व करना है, पी की क्या कोडिंग गिवन है, पी की कोडिंग 3 है, आई की क्या गिवन है, आई की 1 है, एल की क्या गिवन है, एल की 8 है, एल की 8 है, ई की क्या गिवन है, ई की 2 है, और आर की क्या गिवन है, 6। आंसर क्या हो गया, ये अभी तक जिस जो अभी तक वीडियो में है, जो पहली फर्स्ट क्वेश्चन पे घबराया नहीं है, उन सबको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है ये क्वेश्चंस देख के, क्योंकि हमने एक पैटर्न बनाया और उस पैटर्न पर ही आगे के क्वेश्चंस बेस्ड है। अब अपन और आगे चलते हैं। अब देखो, अब तुम दोबारा घबरा जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं है, हर चीज को ऑब्जर्वेंस से निकाला जा सकता है, हर चीज को ऑब्जर्वेंस से निकाला जा सकता है। अब देखो मेरी बात, फ्लावर का कोड है 36, सनफ्लावर का कोड है 81, कितने दिमाग लगा लो, कितना दिमाग लगा लो। तुम सोचो, चलो एफ का जो डिफॉल्ट कोडिंग होती है और एल की डिफॉल्ट कोडिंग होती है, उन सबको अपन प्लस करके 36 निकालते, नहीं आएगा। इनकी डिफॉल्ट कोडिंग को प्लस करके 81 निकालते, नहीं आएगा। बहुत दिमाग लगाओ, बहुत दिमाग लगाओ, पर हमें क्या करना है, हमें पैटर्न को, जो पैटर्न नया हो उनको अपन को समझ के अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे कि वो क्वेश्चन अगर रिपीट हो। देखो कम से कम मॉड्यूल के पैटर्न में अगर मास्टरी होगी ना, तो तुम्हारा 80% काम, 80% काम हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। तो अपन को 80% लाने हैं, 80% लाने हैं, 100 तो किसी के आते भी नहीं है। ठीक है, तो देखो फ्लावर होता है, फ्लावर में कितने वर्ड दे रखे, 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और सनफ्लावर में कितने दे रखे, 3 4 5 6 7 8 है, 3 4 5 6 7 8 9, 9 दे रखे, मतलब 6 वर्ड का इन्होंने, 6 को इन्होंने 6 गुना कर दिया तो 36 आया, और 9 को इन्होंने 9 गुना कर दिया तो 81 आया। मतलब तुम्हें स्क्वायर का मतलब पता होगा, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, ये पैटर्न रट लो। मतलब अगर मैंने कल को ऐसा लिखा, ब्लू इज कोडेड एज 16, सो वॉट विल बी येल्लो बी कोडेड एज, कुछ भी कर लो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इधर 4 का स्क्वायर कर रखा है, तुम्हें कितने लेटर है, 6, तो तुम 6 का स्क्वायर करोगे, आंसर होगा 36। ठीक है, इस पैटर्न को भी अपन ने ऑब्जर्व कर लिया, अपन सीख रहे हैं, अपन सीख रहे हैं, अपन सीख रहे हैं। ठीक है, जो लोग अभी तक हैं कॉन्ग्रेट्स, आगे चलते हैं। अब देखो मेरी बात, एक और पैटर्न अपना, एक और पैटर्न इल बी पी, देखो वीडियो पॉज हो गई थी, सॉरी। देखो अपन ने ये लिख लिया, अब ये पैटर्न लास्ट है, इसको ढंग से समझ लो, जिससे कि ये वाले पैटर्न का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए। ये जो अपन ने लिखा है ना सीक्वेंस में, इल बी पी को ऐसे इंडिविजुअल कोडिंग, अभी तो तुक्के से रेड का आंसर क्या हो गया, सिक ही हो गया, पर हमेशा हर बार तुक्का नहीं लगता, इसका अपन को कॉन्सेप्ट समझना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस पे आपके 3 क्वेश्चन भेज दे, ये और हो जाए तो अपने सारे पैटर्न, सारी चीजें कवर हो जाएगी। अब देखो दोबारा दोबारा लिखते हैं, अब दूसरा कुछ लेते हैं।
बढ़िया लगता है। हाँ तो देखो सुनो, वीडियो पॉज हो गई थी, दोबारा देखो मेरी बात। अपना क्वेश्चन ये है, ये पैटर्न और याद कर लो, फोर्थ पैटर्न है, बहुत मदद करेगा। और इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, पर देखो ढंग से समझना, ठीक है। इस इन पैटर्नों में जो वर्ड इसके नीचे लिखा हो ना, वो ज़रूरी नहीं ये हो। मतलब इसका मतलब ये नहीं है डूजो का कोड वर्क है, वी का कोड इज है, मूल का कोड वेरी है, ऐसा नहीं होता। इसमें डूजो का कोड इज भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। मतलब इनका नीचे वाला रैंडम है, नीचे वाला रैंडम है। इसमें जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं वैसा नीचे होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या, तुम तो मानो ऐसा होता ही नहीं है। अगर इतने सारे कोडिंग दे रखी हो तो जो नीचे अपने वर्ड्स होते हैं ना, ये सब रैंडम होती है, ये सब रैंडम है, ये सब रैंडम है। हो सकता है नैनो का मतलब के को, पर नहीं है। नैनो का मतलब इस भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। अब मेरी बात सुनना, देखो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन है, और ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। टोटल चार इक्वेशन दे रखी है, उससे अपन को बिंगो का वर्ड का मीनिंग निकालना है। देखो बिंगो है कहाँ पर, बिंगो है इधर, मतलब ये उल्टा पूछ रहा है। बिंगो का मतलब हुई होगा, डूगो होगा, बा होगा, की होगा। अभी अपन निकालते हैं, देखो मेरी बात सुनना, समझ में आएगा, कूल, ठीक है। पहली इक्वेशन में डूजो हुई मुलजो, और दूसरी इक्वेशन में हुई डूजो बाकी, मतलब हुई और डूजो कॉमन है। और इन दोनों में कॉमन वर्ड्स कौन से, इज और वेरी, मतलब डूजो और हुई में से, डूजो और हुई, देखो डूजो और हुई है, डूजो और हुई है, और इन इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन से है, इज और वेरी, मतलब डूजो और हुई में से किसी ना किसी का कोड तो इज एंड वेरी है। मतलब या तो डूजो का वेरी है तो हुई का इज है, या डूजो का इज है तो हुई का वेरी है, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता। अब सुनना मेरी बात, अब देखो धीरे धीरे अपन को इसकी कोडिंग करनी है। अब देखो ये जो वर्ड है, इसमें क्या, इसमें डूजो का मतलब अपन को डूजो का मतलब वेरीफाई करना है। तो डूजो का मतलब या तो इज है या वेरी है। इसमें हुई तो दे ही नहीं रखा है, इसमें तो सिर्फ डूजो दे रखा है, और डूजो का मतलब क्या दे रखा है, इज दे रखा है। क्योंकि समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भाई डूजो है, हुई थोड़ी है इस इक्वेशन में, तो या तो इज है वेरी है, जब इसमें हुई है ही नहीं तो इज ही होगा ना इसका आंसर। तो डूजो का मतलब इज है, हुई का मतलब वेरी है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमें निकालना है किसका है, बीगो का निकालना है। तो इतना तो समझ में आ गया, बीगो का ना तो हुई होगा ना डूजो होगा। अब बच्चे क्या, बा भी हो सकता है, की भी हो सकता है। अब बा और की का मतलब क्या हुआ, इधर लिखो, बा और की का मतलब है या तो बिंगो है या स्मार्ट है, या तो बिंगो है या स्मार्ट है। देखो अब या तो बा का मतलब स्मार्ट है या बा का मतलब बिंगो है, तो और नीचे चलो। अब देखो इसमें की गिवन है, इसमें बा गिवन नहीं है, इसमें की गिवन है, और की का मतलब क्या दे रखा है, स्मार्ट, तो की का मतलब हुआ स्मार्ट, और फिर बचा क्या, बिंगो, बिंगो का मतलब हुआ बा। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बिंगो। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बिंगो, 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 ठीक है। तो समझ रहे हो, इस पैटर्न में ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है ही नहीं, कि जो वर्ड्स ऊपर लिखे उनकी कोडिंग नीचे एज इट इज़ है, सॉरी उनकी कोडिंग एज इट इज नीचे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब रैंडमाइज्ड है, और रैंडमाइज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक एक इक्वेशन लेके उनमें कॉमन वर्ड सॉर्ट आउट करके एलिमिनेट करके वर्ड्स का मतलब निकालना है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड ली, फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन क्या है, हुई है और डूजो है, तो उनके आंसर्स में कॉमन क्या है, या तो इज है या वेरी है, या तो इज है या वेरी, अपन ने इधर लिख लिया। फिर अपन डूजो और हुई को आगे लेकर गए, तो अपन ने देखा कि डूजो का मतलब इज होता है, तो बचा क्या, हुई का मतलब वेरी होगा। फिर हमारा बचा क्या, बा और की का मतलब बिंगो या स्मार्ट होता है, हमें नहीं पता क्या होता है, हम आगे लेकर गए तो हमें पता लगा की का मतलब स्मार्ट होता है, तो बचा क्या, बा, बिंगो का आंसर हो गया बा, ठीक है। अब देखो मेरी बात, जो इससे पहले थे
अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि ये एरोज नहीं हो गए, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था जिससे कि तुम ऐसी गलती ना करो, ऐसी गलती ना करो, ये एरोज नहीं हो गए। अब देखो इल बी पी का मतलब है रोजेज आर ब्लू और रेड फ्लावर्स वेजिटेबल आर वेज। अब देखो रेड फ्लावर्स का मतलब है सीख हीख, और इसमें रेड नहीं दे रखा, इसमें फ्लावर्स दे रखा है, तो इनमें कॉमन निकालो, इनमें कॉमन निकला तो फ्लावर्स का मतलब क्या है ही, फ्लावर्स का मतलब क्या है ही, तो रेड का मतलब क्या हुआ सिक, और रेड का ही अपन को निकालना, तो आंसर क्या हो गया सिक। जरूरी नहीं है, हो सकता था सिक फ्लावर्स हो, पर अपन इसको आगे लेकर गए कि फ्लावर्स और कहाँ पर आता है, फ्लावर्स इस इक्वेशन में आ रहा है, और इस इक्वेशन में इसका साथी गिवन नहीं है जिसके साथ अपन को कन्फ्यूजन था, तो अपन ने इसका ही देखा, तो जो बचा उसका आंसर भी ये हो गया। अब अपन इसमें बेस्ड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, बाकी तुम देखना सेवेंथ एट सेवेंथ नाइन्थ सेवेंथ और एट्थ क्वेश्चन वो वाले हैं, फ्लावर को अपन ने अगर सनफ्लावर फ्लावर नहीं वो वाले, अगर अपन ने शर्ट को पैंट बोला, पैंट को ट्राउजर बोला, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें ध्यान रखना फर्स्ट कोडिंग ही करनी है, दोबारा बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट कोडिंग ही करनी है, फर्स्ट कोडिंग ही करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें ही देखते हैं ना, जगह इतनी पड़ी है, हम क्यों पेपर बचा रहे हैं, ठीक है। वो ही देखो चार पैटर्न है, चार पैटर्न से तुम्हारी कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी, फोर्थ वाला पैटर्न समझ लो, प्लीज समझ लो, बहुत आसान है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये सर क्या बदतमीजी कर रहे हैं, पर ठीक है देखो समझ लो, ये पैटर्न बहुत कॉमन है, और ये एक क्वेश्चन तो देखो इसका आएगा, ऐसा मेरे को पक्का लगता है, इस वाले पैटर्न पे बेस्ड, ठीक है, क्लीन एंड नीट, ठीक है। और एक और है, तीन इन्होंने कोडिंग दे रखी है, एट द सॉरी हाँ यही है, एट द रेट क्वेश्चन, इट मीन्स नीट बॉय, इट मीन्स नीट बॉय, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंड का कोड। देखो एंड किस में आ रहा है ये, सॉरी एंड का सिंबल होता है, एंड किस में आ रहा है, इसमें एंड क्या हो सकता है, एंड अभी तो एट द रेट भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, और हैश भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, एलिमिनेशन कर रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है क्लीन एंड नीट, इसमें क्या आ रहा है नीट आ रहा है, इसमें ना तो क्लीन आ रहा, इसमें इसमें इसका एक ही वर्ड आ रहा है, इसका एक ही वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है नीट, और इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में एट द रेट कॉमन है, इन दोनों इक्वेशन में कौन सा वर्ड कॉमन है, इसमें नीट कॉमन है, और इसमें ऊपर वाले में क्या कॉमन है, एट द रेट, इसका मतलब जो एट द रेट है उसका मतलब तो नीट हुआ। अब एंड या तो इसमें आ सकता है या इसमें आ सकता है, अब देखो मेरी बात, हमने नीट को डिकोड कर लिया, अब एंड और क्लीन का डिफरेंशिएट करना है, तो ऊपर गए, ऊपर क्या गिवन, ऊपर इन दोनों में कॉमन क्या, ऊपर इन दोनों में कॉमन है क्लीन, और ऊपर इन दोनों के सिंबल में कौन कॉमन है, एट द रेट, तो क्लीन का क्या हुआ एट द रेट, क्लीन का क्या हुआ एट द रेट, बचा क्या डी, डी का क्या हुआ एंड। देखो मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, इसमें अपन को इक्वेशंस को कॉमन लेकर कॉमन वर्ड के मीनिंग निकाल कर एलिमिनेशन करना है, इसमें क्लीन एंड नीट है, इसमें नीट एंड बॉय है, तो मतलब नीट वर्ड कॉमन है, नीट का निकाल लिया, इसके बाद बचा क्या एंड और क्लीन, इसमें क्लीन कॉमन है, क्लीन का निकाल लिया, बचा एंड, लास्ट लास्ट ये वाला हमारा हो गया, सारे पैटर्न अपन ने डिस्कस कर लिए, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ इस सेशन को। फर्स्ट पैटर्न है हमारा अल्फाबेट, ये ए बी सी इतना अल्फाबेट लिखने का मन है मेरा, ठीक है, दोनों तरफ अल्फाबेट है, तो अपन क्या करेगा, अपन ने बता दिया दो कोडिंग गिवन है, और दोनों कोडिंग के अंदर अल्फाबेट और एक तरफ नंबर गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने ये बता दिया, अपन ने बहुत सारी कोडिंग गिवन है, फोर फाइव कोडिंग गिवन है, फोर फाइव कोडिंग गिवन है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, अपन ने ये बता दिया। और एक और अपना पैटर्न क्या था, एक और वो शर्ट पैंट वाले जो क्वेश्चन थे अपन ने वो बता दिए, और अपन इसकी शीट जल्द निकालेंगे, इतना समझ लोगे ना, इतने पैटर्न समझ लोगे, इनफ है, मैं बोल रहा हूँ इनफ है, तुम्हें सॉल्व करना आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। तो इसी बात पे डू सब्सक्राइब, लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो जल्द आ रही है, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ सारे नोट्स आएंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।